तुम्हारी जरूरत कैसे टांगों पे लगना चाहिए इन्हें। लगता है काम खराब हो गया। हमारे टीचर कितने अच्छे थे, चले गए। पता नहीं अब कौन से टीचर आएंगे। भाई साहब से बात है, मेरी पसंद का टीचर नहीं आया ना, मैं क्लास छोड़ के भाग दूंगा। क्लास क्या, हम स्कूल छोड़ देंगे। ये तो हमारी क्लास की तरफ आ रहे हैं। ये टीचर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। बच्चों आज से मैं आप लोगों का न्यू टीचर हूँ। वेलकम टीचर। अच्छा बच्चों मैं जरा कुछ खा पी लूँ, मुझे जरा भूख लग रही है, उसके बाद आप लोगों के अटेंडेंस लगाता हूँ, ठीक है। सर जी आप ब्रेकफास्ट नहीं करके आए। बच्चों असल में ना मुझे भूख बहुत लगती है, करके आया था मैं ब्रेकफास्ट, अब क्या करूँ भूख लगती है, खाना तो पड़ेगा। चिकन लेग पीस, 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 चिकन लेग पीस। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, काश हमें भी थोड़ा सा दे देते सर। ओ शिट सारा खा लिया। मजा ही आ गया खाकर। कभी खुशी कभी गम। चलो बच्चों अलर्ट होके बैठो, मैं तुम सबके अटेंडेंस लगा रहा हूँ। शिफा। यस सर। अली। यस सर। वली। यस सर। हादी। यस सर। ठीक है अटेंडेंस लग गई सबकी। अरे बच्चों मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, लग रहा है तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के ना मैं थक गया हूँ, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ खाना पीना पड़ेगा, मेरी एनर्जी कम हो गई है। सर जी अभी तो आपने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया। चुप खुस्ता, ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी, आराम से बैठो। देखो देखो सर क्या खा रहे हैं। ओ ये तो समोसा खा रहे हैं। हाय समोसे, समोसे तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। मुझे भी बहुत पसंद है समोसे। सर जी सर जी। जी बेटा बोलो। सर जी समोसा ना हमेशा आधा खाना चाहिए, अगर पूरा समोसा खा लेंगे ना तो पेट में दर्द हो जाएगा। अरे बेटा ये क्या बात कर रही हो, मेरा हाजमा तो बहुत तेज है, अभी देखो जरा ये आधा समोसा रहता है ना।
देखा ना, हो गया फिनिश। अब एक और चीज तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये रही मेरी हाजमे वाली गोली, अभी ये खाऊंगा दस्ती हजम। हो गया हाजमा, अब तुम्हें आराम से पढ़ाऊंगा बैठ के। चलो बच्चों पढ़ो बैठ कर। Super Mama, ready? Ready? 1, 2, 3, 4. तेरा है लेकिन ये कुरकुरा मेरा है। चलो भाई छुट्टी हो गई। अच्छा बच्चों मैं चलता हूँ। The next day. Good morning, teacher. बैठो बच्चों बैठो। आज इस खेल में क्या होगा? कौन सा टीचर हमें दे देंगे? केले खाते हैं टीचर, पूछते भी नहीं के खा लो। आज ये थैला किसी तरह मेरे हाथ लग जाए। चलो बच्चों किताबें निकालो और पढ़ो बैठ कर। चल हट। ओहो मुझे तो प्रिंसिपल ने ऑफिस बुलाया था। ये तो 12 मिनट ज्यादा हो गए हैं। ऐसा करता हूँ जल्दी से जाता हूँ। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, सुकून से अपना पढ़ाई करो, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, यही तुम चाहते हैं। और हाँ किसी बच्चे की मुझे शोर की आवाज ना आए। ओके टीचर। ये हाथ लग गया। मजे मजे की बिरयानी। यम्मी यम्मी पेस्ट्री। यम्मी यम्मी जलेबी जलेबी भाई। पिज़्ज़ा यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा। स्टॉप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थैले को हाथ लगाने की? जो लंच बॉक्स हाथ में ले रहे हो ना, सीधी शराफत से इसको टेबल पे रखो। अब तुमने कारनामा अंजाम दिया, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी ना। एक एक करके सारे यहाँ खड़े हो जाओ। सॉरी सर, माफ कर दें। तुम आते हो नहीं आते? हैं? तुम लोगों की इतनी जरूरत टीचर का सामान छेड़ते हो?
हैं? हाथ करो, तुम्हारे तो हाथ पे लगने चाहिए। इन्हीं हाथों से लंच बॉक्स ले रहे थे ना, है ना? तुम्हारी जरूरत कैसे, टांगों पे लगना चाहिए। इन्हीं टांगों से चल के उधर तक गए थे ना, करना जरा आइंदा तुम, बताऊंगा तुम्हें मैं। जरूरत तो देखो, टीचर की चीजें छेड़ते हैं। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जगह पे बैठो। फजूल में डंडे पड़ गए, हमने कुछ खाया है नहीं, डंडे मार दिए हमें। अरे भाई थका दिया, दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। अरे एक तो भूख भी इतनी ज्यादा लग रही है, इतनी देर से कुछ खाया नहीं। पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में दिमाग खपाया, उन्होंने इतना ज्यादा डांटा, और जैसे ही क्लास में एंटर हुआ तो इन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया। कुछ खाना पड़ेगा। आज तो मैं सारा का सारा लंच खा जाऊंगा, जितनी मुझे भूख लग रही है। सबसे पहले क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, हाँ बिरयानी खाता हूँ। अरे भाई मेरा तो मुंह स्पाइसी हो गया, खाता हूँ पेस्ट्री खाता हूँ। मीठा मुंह हो गया, ऐसा करता हूँ नमकीन खाता हूँ यानी पिज्जा। अब खाता हूँ मजे मजे की जलेबी। जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी। ये तो सारा ही खा गया भाई, आज तो सारा का सारा खाना खा लिया, इतनी भूख लगी हुई थी। अरे ये तो उठा भी नहीं जा रहा, कुछ ज्यादा ही खा लिया, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तिलक तिलक खाओगे तो ऐसे ही होएगा। अब कुछ खाना नीचे उतरा, ऐसा लग रहा था हलक तक ही खाना आ गया। अरे ये क्या हो गया, पेट में से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं, लगता है पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे ये तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द शुरू हो गया है, क्या करूं? बहुत ज्यादा गैस हो गई है ये तो पेट में। ये तो गैस ही बहुत हो रही है। लगता है काम खराब हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया, सर जी ये क्या हुआ? <चार भाई। laughs>
The next day. Good morning, teacher. बैठो बच्चों बैठो. हाय हाय कितनी गंदी स्मेल आ रही है. हाय हाय बहुत गंदी स्मेल आ रही है. स्मेल कैसी आ रही है. अली मुझे लगता है पूत तुमने मारी है. नहीं भाई मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहा है. मुझे लगता है वली ने पू मारी है जो चुप चुप बैठा है. शिफा क्लास में मैं ऐसे काम नहीं करता. क्या हुआ बच्चों क्यों शोर मचा रखा है. सर जी पोटी जैसी स्मेल आ रही है. सर जी पहले तो ये समय नहीं थे आपके आते ही स्मेल आई है. जी सर जी जी तुम ना ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो और चुपचाप पढ़ो बैठकर. मुझे तो भाई बहुत भूख लग गई. इतने ही पढ़ रहे हैं इतने मैं कुछ खा लेता हूँ. सर का पेट खराब है फिर भी खाया जा रहा है. भाई मेरे तो सर में दर्द हो रहा है इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है. मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा. अरे भाई लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया. पेट में गुड़गुड़ हो रही है. अच्छा बच्चों मैं अभी आ रहा हूँ वॉशरूम से. शोर नहीं मचाना. वॉशरूम जाओ. ठीक है जाओ. Yes. A few moments later. वॉशरूम की डस्टबिन में किसी ने पोटी वाला पेपर फेंका हुआ है. क्या पोटी वाला पेपर. अच्छा तो तुम वॉशरूम ये देखने के लिए गए थे. पता नहीं किसके काम होंगे किसका पेपर होगा. चलो यहाँ आके पढ़ो बैठकर. ओके सर. लगता है लूज मोशन दोबारा शुरू हो गए. पैंपर चेंज करना पड़ेगा. बच्चों मैं भी आ रहा हूँ वॉशरूम से. शोर नहीं मचाना. जरूर ये टीचर ने ही पैंपर पहना हुआ है. सर का पेट खराब है. हाँ मुझे भी ये लगता है. एक मिनट शिवा अभी हम आते हैं अभी पता लग जाएगा. हरी उठो.
पैंपर वाला बंदा पकड़ा गया। क्या पैंपर वाला बंदा पकड़ा गया? अच्छा कौन है फिर? सर जी आप। तुम्हारी ये जुर्रत है मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो? तुम्हारी ये जुर्रत? सर जी एक मिनट रुके, सर पहले ये वीडियो देख ले। क्या वीडियो? कैसी वीडियो? दिखाओ अली, सर को वीडियो दिखाओ। हाँ ये लो बेटा अपना मोबाइल, मैं तुम सबको सब कुछ बताता हूँ। बेटा मैं ही पैंपर पहनता हूँ, ज्यादा खाना खाने की आदत की वजह से मेरा पेट खराब रहता है। बच्चों मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मेरी जो ये आदत है ना हर टाइम खाना खाने की, ये मैं खत्म करूँगा ताकि मुझे इस बीमारी से निजात मिल सके और मैं ठीक रह सकूँ, मेरा पेट भी खराब ना हो और रूम का माहौल ठीक हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें।